हेलो गाइस एंड वेलकम टू एड वॉर मोड राइट। तो आज के वीडियो में मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ हीरो करिश्मा XMR 210 खरीदने का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हीरो करिश्मा XMR 210 200cc कैटेगरी का नया कॉम्पिटिटर। यहाँ पर आपको पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे लुक्स से। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट आपको लुक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 200cc कैटेगरी में एक नया ही डिज़ाइन मिलता है। अगर अपन RS 200 या फिर RC 200 को देखेंगे, उन दोनों से बेटर ये बाइक लगती है मुझे। पता नहीं क्यों RC 200 का नया डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, और RS 200 का पुराना डिज़ाइन अभी तक कंटिन्यू रखा है बजाज ने। लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा फ्रेश लगता है। सामने आपको DRL मिलते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पर आपको बॉडी कलर मडगार्ड मिलेगा, मस्कुलर सा टायर है, और ख़ास करके मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इसका अलॉय व्हील का डिज़ाइन। एक तो मजबूती मिलेगी आपको, साथ ही साथ इसका डिज़ाइन भी बहुत अट्रैक्टिव मिलेगा। अलॉय व्हील की बात कर रहा हूँ मैं, अलॉय व्हील मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही इंप्रेसिव बनाया है हीरो ने इसका अलॉय व्हील। और ज़्यादातर लोगों को अलॉय व्हील पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देता हूँ बाइक के अंदर। और यहाँ पर फेयरिंग भी आपको अच्छी मिलती है XMR की ब्रांडिंग और हीरो की ब्रांडिंग के साथ। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है बाइक, मतलब एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक लगती है साइड से देखते हैं तब। तो साइड प्रोफाइल भी आपको अच्छी मिलती है, स्टेप अप सीट है, इससे बाइक और ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। पीछे आपको 210 लिखा हुआ मिलता है, रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, और रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, तीन कलर कॉम्बिनेशन आते हैं आपको, मतलब तीन कलर मिलते हैं करिश्मा के अंदर। और यहाँ पर स्प्लिट सीट सेटअप भी बढ़िया लगता है। पीछे आपको प्रॉपर मडगार्ड देखने को मिलता है मस्कुलर टायर के साथ, और यहाँ पर साइलेंसर मिलता है आपको। थोड़ा नॉर्मल डिज़ाइन है, लेकिन अगर अपन इसे गौर से देखते हैं तो आपको इसका डिज़ाइन भी पसंद आने वाला है। इंजन थोड़ा खुला हुआ लगता है, मतलब खुले सा, मतलब खुली खुली जगह में रखा हुआ है ऐसा लगता है। बाकी आपको इंजन का भी डिज़ाइन डुअल मिलता है, मतलब ब्लैक एंड गोल्डन कलर में मिलता है इसका कलर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, करिश्मा XMR पीछे से भी देखेंगे तो आपको पीछे से भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर रियर प्रोफाइल है इसकी। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को इसका लुक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट देता हूँ मैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन को। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका डैशबोर्ड और इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है जो कि RS 200 से बेटर है। इसके अंदर राइड योर लेजेंड लिखा हुआ आता है। बाकी आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर बताता है, फ्यूल गेज मिलता है। और यहाँ पर क्या है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे फीचर्स मिलते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है, क्लॉक मिलती है, और टेलटेल लाइट्स मिलते हैं। और यहाँ बटन से टॉगल करेंगे अपन तो यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड बताता है, फ्यूल इकोनॉमी बताता है, ट्रिप ए आता है, टाइम बताता है इसके अंदर, और साथ ही साथ ट्रिप भी बताता है। और एक बार क्लिक करेंगे एवरेज यहाँ आता है, और इसके नीचे आपको रेंज बताता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी उसी ही कह रहा था मैं। और यहाँ पर नेविगेशन बताता है, मोबाइल कनेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिलता है, इसकी वजह से आपको नेविगेशन भी इजी मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पर बैटरी वोल्टेज बताता है, सर्विस रिमाइंडर बताता है, और डेट बताती है इसके अंदर, इन्फो बताता है इसके अंदर। और यहाँ पर क्या है, फीचर्स अच्छे खासे मिलते हैं आपको। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ साथ आपको बटन्स की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है। तो यहाँ पर स्विच गेज की क्वालिटी की बात करूँ तो बेस्ट है, और बैकलाइट स्विचेस मिलते हैं आपको। जैसे कि मैं फोकस कर पाऊँ, यहाँ पर बैकलाइट स्विचेस आते हैं, हैजर्ड लाइट स्विच है, इंजन बेल स्विच मिलता है यहाँ पर आपको, और उसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। लेफ्ट साइड की बटन्स की बात करो तो यहाँ पर लो बीम, हाई बीम, और यहाँ पर देखने को मिलता है पासिंग स्विच एक ही बटन के अंदर। और इसके नीचे मेन्यू सेलेक्ट बटन, और यहाँ पर सेलेक्ट बटन, ये इंडिकेटर वाला बटन, और इसके नीचे हॉर्न मिलता है आपको, अच्छा लाउड हॉर्न है। और रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे प्रैक्टिकल मिलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के साथ, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डैशबोर्ड का डिज़ाइन और फीचर्स। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका सीट कंफर्ट एज कम्पेयर टू R15, एज कम्पेयर टू अपनी RC 200 KTM। यहाँ पर क्या है, सीट कंफर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों पता है, इसकी राइडिंग पोजीशन थोड़ी अपराइट है, इसका हैंडल बार थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसकी वजह से क्या है, आपको कंफर्ट लेवल बढ़िया मिलता है R15 में। और RC 200 में क्या है, हैंडल बार थोड़ा नीचे की तरफ होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, इसकी वजह से क्या है, हाथ दुखने लगते हैं, कंधे दर्द देते हैं, पीठ दुखती है। तो यहाँ पर क्या है, हीरो ने राइडिंग पोजीशन जो है थोड़ी कंफर्टेबल रखी है ताकि आप टूरिंग भी कर पाएँ इस बाइक के ऊपर, जो कि दूसरे RC 200 R15 में पॉसिबल नहीं होता, और करिश्मा XMR में पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको तीसरा पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है राइड कम्फर्ट का। चौथा पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका इंजन का। यहाँ पर आपको 210cc का सबसे पावरफुल इंजन मिलता है, या फिर 200cc कैटेगरी का सबसे पावरफुल इंजन मिलता है, जो कि लगभग 25.5 PS की पावर देता है और 20.4 Nm का टॉर्क देता है। और इसके इंजन के स्पेक्स मिलते हैं आपको 210cc लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वेल्व DOHC BS6 Phase 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। यहाँ पर आपको DOHC इंजन मिलता है, साथ ही साथ 25.5 PS की पावर और 20.4 Nm का टॉर्क, जो कि इसके कैटेगरी में बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको 14 पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है इसकी पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स का।
पांचवा पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है इसका ऑल एलईडी सेटअप, मतलब इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। यहाँ पर आपको हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ एलईडी मिलेगा। मैं ऑन करके बताता हूँ आपको, एक तो डीआरएल मिलेंगे फ्रंट में और डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलते हैं जो कि सेगमेंट में फर्स्ट रहेगा। यहाँ पर मैं ऑन करूँगा तो इसका एलिमिनेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, आपको एलिमिनेशन भी अच्छा मिलेगा इसके हेडलाइट से, और साथ ही साथ इसका एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा रहने की वजह से सेगमेंट में सबसे अच्छी हेडलाइट वाली बाइक बन जाती है ये। और इंडिकेटर भी आपको एलईडी वाले मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, फ्लेक्सिबल हैं। और रियर में जो टेल लाइट मिलती है वो टेल लाइट भी आपको अच्छी मिलती है, यहाँ पर बता देता हूँ, एलईडी टेल लाइट मिलती है आपको। ऑल एलईडी सेटअप का मतलब हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ एलईडी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हीरो ने कॉस्ट कटिंग नहीं की है। यहाँ पर आपको पांचवा पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है ऑल एलईडी सेटअप का। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है आपको इसके टायर्स। यहाँ पर आपको RS 200 के कंपैरिजन में मोटे टायर मिलते हैं करिश्मा के अंदर। फ्रंट में आपको 100x80 का टायर मिलता है, 17 इंच का अट्रैक्टिव अलॉय व्हील मिलता है, और पीछे मिलता है 140x70 का टायर, 17 इंच अलॉय व्हील। अगर अपन RS से कंपेयर करें तो RS में आपको रियर में 130 सेक्शन टायर मिलता है और इसके अंदर 10mm ज़्यादा मोटा टायर आता है। इसकी वजह से क्या है, ग्रिप अच्छी मिलती है। दूसरी चीज़, कॉर्नर आप आराम से कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर। और तीसरी चीज़, मोटा टायर आने की वजह से लुक बढ़िया हो जाता है करिश्मा XMR का एज़ कम्पेयर टू RS 200। तो यहाँ पर आपको छठा पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है मोटे टायर्स का। सातवां पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग। यहाँ पर आपको 2,20,000 रुपये ऑन रोड मिलेगी करिश्मा XMR। अगर आपको ये बाइक खरीदनी है या फिर हीरो ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत मनी साई हीरो उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हीरो करिश्मा XMR 210 ऑन रोड पड़ती है 2,20,000 रुपये की प्राइस पर। 2,20,000 रुपये में आपको बेस्ट इन क्लास इंजन मिलता है जो कि ज़्यादा पावर निकालता है, साथ ही साथ डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, फुल डिजिटल मीटर मिलता है, अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है आपको, अच्छा डिज़ाइन मिलता है और फीचर्स की भी कमी नहीं रहती। तो आपको 2,20,000 रुपये में इससे बढ़िया बाइक नहीं मिलेगी पूरे इंडियन मार्केट के अंदर। अब R15 से कंपेयर करेंगे तो R15 में फीचर्स ज़्यादा है लेकिन इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको R15 निकाल के नहीं देती, जो कि इनिशियल पिकअप की या फिर मिड रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। टॉप एंड में R15 इसे भी हरा देती है, लेकिन अगर अपन मिड रेंज और इनिशियल पिकअप की बात करें तो करिश्मा XMR 200 सीसी के सभी बाइक को हरा देती है। तो यहाँ पर आपको सातवां पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग ऑफ हीरो करिश्मा XMR। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो करिश्मा XMR खरीदने के सात पॉजिटिव पॉइंट बताए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।